हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं बिल्कुल सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, तो फ्रेंड्स इन्हें आप फॉलो करके बिल्कुल हलवाई जैसा नारियल के लड्डू घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, नारियल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले पैन में 2 कटोरी दूध लें, गैस को ऑन करें और दूध में उबाल आने दें। जब दूध में उबाल आ जाए तब इसमें 1/2 कटोरी चीनी डालें। तो फ्रेंड्स, मेजरिंग के लिए कोई एक कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सभी चीज़ों की मेजरिंग करें। नारियल के लड्डू हम बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के बना रहे हैं, तो दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इन्हें पकाएंगे। दूध की मात्रा आप 1 कप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध गाढ़ी हो गई है और 1/3 रह गई है, तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। और अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। इस तरह से नारियल दूध में अच्छे से पक भी जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, नारियल का बुरादा मैंने 1 कटोरी लिया है। इस गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इन्हें लगातार चलाते हुए पकाएं, जिससे ये तली में न लगें। 3 मिनट तक इन्हें और भूनें और उसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लें। इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब थोड़ा सा मिश्रण अपने हाथों में लेंगे और इन्हें लड्डू का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्विक बनने वाले नारियल के लड्डू को आप पूजा में, व्रत में या किसी भी त्यौहार में आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इन्हें नारियल के बुरादे में रोल कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे नारियल के लड्डू का लुक अच्छा आता है। तो ये देखिए, एकदम हलवाई स्टाइल में एकदम मार्केट जैसा लग रहा है ना ये नारियल के लड्डू। इन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है नारियल के लड्डू। बनाना एकदम आसान और घर की चीज़ों से आप आसानी से इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।